देखिए, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगातार आप देखिए कई मसले जिस तरीके से दिल्ली की सियासत में इस वक्त चल रहे हैं, इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस तब सीधे रुख करते हैं। देश के लिए एक बजट प्रस्तुत किया, दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे को उठाया कि किस तरह से दिल्ली सरकार के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। कि दिल्ली के लोगों ने 2023-24 में, अगर मैं सिर्फ इनकम टैक्स के आंकड़े देखूं तो दिल्ली के लोगों ने 2,07,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिया, लेकिन जब बजट के आंकड़े सामने आए तो जो दिल्ली के लोगों की डिमांड थी कि इसका 5% हिस्सा, मात्र 5% हिस्सा दिल्ली वालों को मिलना चाहिए, यानी 5,000 करोड़ दिल्ली की सरकार को मिलना चाहिए शेयर इन टैक्सेस, तो दिल्ली वालों को इस पर निराशा मिली और दिल्ली वालों को कुछ भी शेयर इन टैक्सेस इस बजट में नहीं मिला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं, दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, दिल्ली सरकार को शेयर इन टैक्सेस नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली सरकार को बजट में बहुत कुछ और मिलता है।